हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ फूडीज अनीता। तो आज मैं आप सबके लेके आई हूँ कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी, जिसे बनाना काफ़ी आसान है। ना 5 मिनट लगेंगे, ना 10 मिनट लगेंगे, बिल्कुल 2 मिनट में ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। रियली गाइस, 2 मिनट में ये एक्स्ट्रा झाग वाली जो कॉफ़ी दिख रही है वो रेडी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो गाइज़, रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पे हम लेंगे 4 बड़े चम्मच चीनी, फिर हम लेंगे 3 बड़े चम्मच कॉफ़ी, और यहाँ पे हमें लेना है 1 चम्मच पानी। यहाँ पे हम नॉर्मल वाटर का यूज़ करेंगे, कोई गर्म पानी का यूज़ नहीं करेंगे, ना ठंडे पानी का। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो होता है वही पानी यूज़ करेंगे, और फिर हम इसे मिक्सर से इसे इस तरीके से हम मिलाएंगे। तो गाइज, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1.5 मिनट में इसका जो टेक्सचर है काफ़ी स्मूथ फ्लफी बन के रेडी हो गया है। बिल्कुल देखिए, इस तरीके से 1.5 मिनट में रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं कॉफ़ी। तो यहाँ पे मैंने ग्लास को गार्निश कर लिया है चॉकलेट सिरप से। फिर हम इसमें ऐड करेंगे आइस, मैंने 2 आइस क्यूब इसमें ऐड कर दिया है। फिर यहाँ पर हम लेंगे कॉफ़ी मिक्स, 3-3 चम्मच हमें लेना है यहाँ पर कॉफ़ी मिक्स। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ठंडा दूध, हमें यहाँ पर लेना है गाइज। गाइस, काफ़ी इजी रेसिपी है, इसे कोई भी बना सकता है, बिल्कुल 2 मिनट में बनके रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे गाइस, दूध ऐड करने के बाद हम इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे वैनिला फ्लेवर का आइसक्रीम। मैंने यहाँ पे 1-1 स्कूप यहाँ पे आइसक्रीम ऐड कर लिया, और फिर हम इसे गार्निश करेंगे चॉकलेट सिरप से। तो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा झाग वाली हमारी कॉफ़ी रेडी है, कोल्ड कॉफ़ी। तो गाइज़, अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगा है और अगर आपको मेरा रेसिपी काफ़ी ईजी लगा, तो आप मेरे रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।